भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने दुख पाप का नास नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने दुख पाप का दुख पाप का नाश सारियां भैणा बोलो ओ नानक
जोग जुगत तन पेद सुने सासत सिमरत वेद। ओ नानक भगता सदा विगास, पढ़ो जी। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप नास। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास, सुने दुख पाप का। अरे वीर बोलो, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास, सुने दुख पाप का। पावे राहो,
मोहे पावे जाहो सोने हाथ होवे अस गाहो नानक पगता सदा विगास पढ़ो नानक पगता सदा विगास सोने दुख पाप अनास नानक पगता सदा विगास सोने दुख पाप का सोने दुख पाप का नास नानक लगता सदा विगास सोने दुख पाप का नास सोने दुख पाप का बोलो Bye.
पाप का नाश। सारी संगत कोई रसना खाली ना रहे, बड़े प्यार ना सारे उच्चारण करो जी सतनाम। दस बारह मिनट में आप जिया दे होर लेने ने, सतगुरां ने कृपा की, बख्शिश की, अज सानू सारिया नू बख्शिश का खाता खोल के अपनी गोद दे विच बिठाया। जो भी गुरु दे प्यार विच चल के आए हो सब नू जिया, बड़े प्यार विच श्री जपजी साहब जी की बाणी विचों ये पौड़ियां का गायन तुसी कर रहे, जिन्हां विच मेरे बाबे नानक ने बाणी नू सुनण का महात्म दसिया कि जिन्हां ने भी बाणी नू सुनिया उन्हां नू की कुछ मिलिया। सुनियो ध्यान नाल, एक बारी बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु, नहीं इदां नहीं, एक बारी गज के बोलो वाहिगुरु। साडे घर च रद्दी पई होवे ना, रद्दी बाजार विच रद्दी वेचीए, जिन्हों रद्दी दई दईए वह कुछ ना कुछ माया देंदा उहदे बदले। घर विच पुराना लोहा पिया होवे वेचीए कुछ ना कुछ मिलदा है, है जी। सुनियो, दुनिया दीआं दुकानां ते हर पुराणी चीज़ विकदी है, नवीं भी विकदी पुराणी भी, पर प्यारिओ पूरे वर्ल्ड दे विच एक भी दुकान इहो जी नहीं जिथे साढ़े औगण विकते हो। वाहिगुरु सुनो ध्यान, साढ़े औगण विकते हो पूरे वर्ल्ड दे विच इको एक घर इहो जिहा, इको एक दुकान इहो जी है, मेरे गुरु नानक जी की दुकान, मेरे गुरु का घर। जदों तो प्यार दे नाल बह के बाणी नू पढ़ना है, जदों प्यार दे नाल बह के तू बाणी नू सुनदा है, सतगुरु कृपा का खाता खोल के बाणी नू पढ़न सुनन दा सदका जिन्ने भी तेरे पाप ने वो अपनी झोली च पवा लेंदे ने, ते अपने कोलों गुणमान बना के तेरे ते बख्शिश का खाता खोलते ने। कहते वाहिगुरु वाहिगुरु, गुरु की वड्याई है। कोट पुन सुन हर की बाणी, तो बाणी नू प्यार च बह के सुनया है ना, बाणी नू प्यार च बह के सुनदा। महाराज कहिंदे तकड़ी दे इक शब्द च करोड़ां पुन पाल है, दूजे तकड़ी दे शब्द दे विच प्यार नाल बाणी नू सुनना पाल है, पार बराबर है। कहदे वाहिगुरु वाहिगुरु। अज एक सतगुरु विचार कराऊं प्यार नाल, अजकल बड़े ने बाणी तो रोकण वाले, बाणी तो तोड़न वाले, और हैरानगी हुंदी है, हैरानगी बार वाले नहीं प्यारे वो अपने ही ने, स्टेजा ते बहन वाले भी कई बार एहो जिहा प्रचार कर देंदे ने कि जिन्हों सुनन दे नाल गुरबाणी नालों जुड़न की जगह पर बंदा टुट जाता है। साढ़े घर च मान लो कोई दुख आया, सुनियो असी नितनेम वधाया कि मैं दो पाठ सुखमनी साहब दे वध करांगी जां करांगा, गुरु कृपा करे मेरे घर का दुख दूर कर दे, कई इत्थे किंतु कर देंदे वो दुख लई बाणी पढ़ना। कहदे वाहिगुरु बाणी दुख लई थोड़ी पढ़नी चाहिए, घर दे विच कलेश कारोबार नहीं चलता, तू अपना नितनेम वधा लिया, दो पाठ सुखमनी साहब पांच पाठ जपजी साहब कुछ भी वधाया, तो कई किंतु करनगे जी दुनियावी दत्तां नहीं बाणी है जी। अज एक बड़ा प्यारा सवाल ते गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी का जवाब है, जिदे विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी मुबारक रसना तो जपजी साहब की बाणी पढ़न का महात्म दसिया। कहदे वाहिगुरु वाहिगुरु, जपजी साहब की बाणी पढ़न का जिदे विच साहबां ने अपनी रसना तो महत्व दसिया है जी। भाई कहिंदे ना जी दुनियावी दातां ने बाणी नहीं पढ़नी, जी दसो धन्ने ने पढ़ी नहीं है जी, धन्ने ने तो पूरी लिस्ट लाती निरंकार दे अगे, गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, अगे लिस्ट लाई लिस्ट जो जो चाहिदा सी बाबा चाहिदा ही, लाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया शादन नीका अनाज मंगो सत सीका, गऊ भैंस मंगो नवेरी एक ताजन तुरी चंगेरी, घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे। दसो मंगया नहीं, जेड़े किंतु करते ने अज उन्हां नू जवाब मिलेगा,
कि तू दुनियावी दत्तां लई भी बाणी पढ़ सकदा पढ़ सकदा। प्यो कोलों नहीं मंगना, किहदे कोलों मंगना? बाहर वाले का बूआ थोड़ी खड़काउणा आपां। वह नज़ारा जरा अपनी अखां दे सामने बनायो, आनंदपुर साहब की धरती, मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह बैठे ने, वह सुरती बनायो। बाबा आनंद सिंह जी का बचन है, केंद्र ज्यों ज्यों कथा सुन, जिहो जी कथा सुन ओहो जी तेरिया अखां दे सामने फिल्म चले। कह दो वाहिगुरु, आनंद ते तां है तां ओहो जी तेरिया अखां दे सामने फिल्म चले। फिल्म धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे, बड़ी प्यारी कलगी लाई पिता जी ने मेरे, आसन ते बैठा मेरा साहब ते बड़ा फब रहा ते नाल धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे खालसा बैठा। खालसा लफज लिखे ने इतिहास च, खालसा वो सिंह रंगे हुए बैठे, किसी ने दुमाला सजाया, किसी ने गोल दस्तार सजाई, किसी ने दस्तार दे उत्ते खंडा लाया। कह दो वाहिगुरु, ते बड़ा प्यारा जिहा नज़ारा बनया। ते हुण जदों वो खालसे ने वेख्या, गुरु दे लाला ने वेख्या कि कुदरती माहौल बन गया, तो महाराज जी ने बेनती की, हे हजूर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी, मन में एक प्रश्न है, जे आप जी आग्या दो तो करिए, माहौल बन गया कुदरती। महाराज कहिंदे आग्या करो। ये सारी वार्ता नूं कवि भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ च दर्ज किया है। मैं अपने कोलों नहीं कोई गल करांगा, वो ग्रंथ जिहदी कथा साढ़े इतिहासक स्थानां ते भी हुंदी है। वो माहौल की बनया सुनियो, की माहौल बनया, निकट खालसा गुर बच सुनियो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के निकट बैठा खालसा बचना सुनने वास्ते, जरा नज़ारा बनायो। मैं कहना इन्ना रस आएगा, ओहो। निकट खालसा गुर बच सुनियो, बूजन कारण नीके भनियो। नीके कहिंदे उत्तम, वड्डा, कुदरती कारण बन गया, वड्डा कारण सवाल पुछण दा माहौल बन गया। कह दिओ वाहिगुरु, वाहिगुरु। श्री प्रभु पातशाह गुर साचे, वेखो सिखां दी भावना, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहिंदे श्री प्रभु पातशाह गुर साचे। कई कह देंदे गुरु गोबिंद सिंह नूं परमेश्वर नहीं कहना। कह दिओ वाहिगुरु, वाहिगुरु। बिलकुल गलत है भाई, ओ गुरु नूं परमेश्वर नहीं कहना ते होर किहनूं कहना। इथों तक मिसाल देंदे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी रसना तो कहा, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परख है, जेड़ा सानू परमेश्वर कहेगा नरकां च जाएगा। सुनियो भाई, ये ते महापुरख समत देंदे सी, कहिंदे ते कलगियां वाले दी निम्रता है। कह दिओ वाहिगुरु, वाहिगुरु। सानू परमेश्वर ना कहो, हुण तुसीं सियाणे हो। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने बाणी जदों उचारी, या जदों भी सतगुरां ने छे दे छे साहिबां ने जदों बाणी उचारी, जिथे नानक शब्द वरत्या उत्थे अपने नाम दे नाल किते मूरख लिखिया, किते बिताला लिखिया, किते गुलाम लिखिया, किते हरामखोर लिखिया, किते लून रामी लिखिया। सुनियो, असी ये चीज ते नहीं ना पिता जी नूं कह सकते। कह दिओ वाहिगुरु, ये तो सतगुरु की अपनी निम्रता सी। तो जिहड़ा सतगुरु ने कहा ना, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परख है, ये तो सतगुरां की निम्रता। हुण तुसी हैरान होवोगे, गुरु जी ने कहा ना, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परख है। ओहो ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी रसना तो एक जगह पर उच्चारण कर दे, कहिंदे ए बिद करत तपस्या भयो वैते एक रूप हो गए, कि मेरे च ते परमेश्वर च फर्क ही कोई नहीं। कह दे वाहिगुरु, वाह। केड़ी गल मनोगे? वह मनोगे जिथे महाराज कहते मैं परमेश्वर ना कह के, मनोगे जिथे कहते मेरे च ते परमेश्वर च फर्क कोई नहीं। ये असलीयत दे विच एक लकीर खिंची है। बाबा ईश्वर सिंह जी का वचन कहते, यह तो सतगुरां ने लकीर खिंची है, वेखदे आ नरकां दे डर तो सानू परमेश्वर कहने तो किहड़ा पिछे हुंदा है। कह दे वाहिगुरु, वाहिगुरु। कहिंदे सी महापुरख, कहिंदे
अवल ते गुरु दा सिख नरकां च जांदा नहीं, पर जे कोई कारण बन गया गलती करके चलिया भी गया ना नरकां च, कहिंदे नरकां च जाके भी जे प्यार नाल इक वारी कह देगा ना धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, कहिंदे गुरु दे नाम विच एड्डी ताकत है, ओ गुरु गोबिंद सिंह दा नाम लेंदे आई सारे नरक ठंडे पै जाणगे। डट के पिता जी नूं परमेश्वर कहना, सतगुर परमेश्वर मेरा, नानक सोधे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद। सतगुरु परमेश्वर है, वेखो सिखां दी भावना, श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ च वेखो की कह रहे, सिख महाराज नूं बेनती कर रहे, श्री प्रभु पातशाह गुर साचे देहो बताए संसे चित रचे। पिता जी एक संसा है, कृपा करो करो ओदा हालत करो मेहर करो, लेत मुकत जप पाठक सोए। जप जपजीत साहब पाठक पढ़न वाला सुनो, दो तीन मिनट की विचार सुनो ध्यान नाल, लेत मुकत जप पाठक सोए कै शरीर की रक्षा होए। गरीब नवाज दसो जेड़ा जपजी साहब की बाणी पढ़ता उन्होंने कली मुक्ति मिलती है कि शरीर दियां उहदियां लोड़ां भी पूरियां होंदियां ने। कहदे वाहिगुरु वाहिगुरु। देखो अज किड्डा वड्डा यह सवाल किया गुरसिखां ने साढ़े भले लई, कि जिथे भी यह प्यार नाल विचार होएगी, जेड़ा कोई बाणी नालों टुटन भी लगेगा ना किसी की गल सुन के कि दुख लई बाणी नहीं पढ़नी चाहिए, वह भी जुट जाएगा। कहदे वाहिगुरु वाहिगुरु। देख लो फिर भुल जाते गज के बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सुनो महाराज कृपा करके संशय का हल करो, लेत मुकत जब पाठक सोए कै शरीर की रक्षा होए। पिता जी ये निर्णय हम पावे कैसे, महाराज ये निर्णय असी करिए किवें, सिखन हेत उचारो तैसे। कृपा करके महाराज सिख्या दियो ये निर्णय किवें करिए। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब बोले, पिता जी मेरे बोले बचन कीता की बोले, श्री मुख ते फुरमावन कीन अमृत फल किस हो कर लीन। कहिंदे ये जिहड़ी बाणी है ना जपजी साहब जी दी, ये अमृत दी दाती है। सुनियो ध्यान नाल, जो अचले अमर होए जाए। अच कहिंदे जिहड़ा पाठ करदा, कहिंदे जो अचले अमर होए जाए भूख त्रिखा भी दुख बिन साए। कहिंदे जिहड़ा जपजी साहब जी दी बाणी पढ़दा, कहिंदे ओनू मुक्ति भी मिलदी है, भूख ओदियां भुखां भी दूर होंदियां, तृष्णा भी दूर होंदी है, ते सारे दुख भी बाणी दा सदका गुरु कट देंदा है। अज के बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु। जो अचले अमर होए जाए भूख त्रिखा भी दुख बिन साए, अमृत फल जिम दोनों करे तथा शक्त जप जी जुट धरे। कहिंदे ए बाणी च एडी ताकत है, एडी ताकत कि जेड़ा प्यार दे नाल जपजी साहब दी बाणी पढ़दा ओनू मुक्ति भी मिलदी है, ते ओदियां सारियां लोड़ां भी पूरियां हुंदियां ने। कह दिओ वाहिगुरु वाहिगुरु। कह दिओ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कहो धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह। जिन्हां ने सारी बख्शिश कीती साडा इह संसार हल कीता, संसार है जी। ओहो ए मेरी बेनती जे जिंदगी दे विच ए यतन करियो, यतन कि पाणी तो बिना असी एक कदम भी ना चलीए। कह दिओ वाहिगुरु वाहिगुरु। सुनियो ध्यान नाल बेनती, पाणी तो बिना एक कदम भी ना चलीए, एक कदम भी, एक कदम भी। तुसीं कहोगे की गल कहती, पाणी तो बिना एक कदम भी ना चलीए। हाँ भाई, हर कदम दे उत्ते पाणी दा पहरा जरूर लायो, मेरी बेनती जे। हा हा हा। मान लो हुण गड्डी लई
दस पंद्रह लख लग गया, भी लख लग गया, गड्डी ले ली। हुण इन्ना प्यार करो बाणी दे नाल, उदों तक मैं नवी गड्डी च नहीं बहना जब तक मैं 101 पढ़ जपजी साहब की हाजरी नहीं ला लैंदा। कहदे वाहिगुरू वाहिगुरू। मैं गुरु की हजूरी च कह रहा, उहदी कृपा नाल, उहदी बख्शिश नाल बोल रहे हैं। सुनियो, जदों इदा बाणी का पहरा ला के गड्डी च बैठोगे, जे भागा च कुछ लिखिया भी है ना माड़े तेरे कर्मा करके कोई भाणा वर्तन एक्सीडेंट होना, जाओ गुरु की कृपा ना कहना बाणी का सदका गुरु नू प्यारे हो, तुहाडा वो कष्ट सूली का खंडा बनाउणा पएगा। कहदे वाहिगुरू वाहिगुरू। गल नू पकड़े हो, हुण मान लो तुसी अपने मकान की नींह रखनी है, कोठी पाउण लगे हो, मकान बनाउण लगे, नींह रखनी, इट्टां लैंदियां, किसी महापुरश नू बुलाया, नींह रख दी, वह गल वक्खरी है। नींह रखण तो पहला सारा परिवार रल के 250 पाठ जपजी साहब की हाजरी लावे। कहदे वाहिगुरू वाहिगुरू। 250 पाठ जपजी साहब की हाजरी लगे, उस तो बाद नींह रखी जावे घर दी, जाओ गुरु की कृपा नाल कहना प्यारे हो, लोगों नू ते नजर आएगा मिस्त्री मजदूर है घर बना रहे ने, पर असलीयत दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा सदका तेरे मकान बनाउण विच भी शीश सिंघां दी गुरु ड्यूटी ला देगा। हर काम दे विच बाणी, हर काम दे विच। मान लो कीर्तन ही है, है जी, हुण मैं कीर्तन ते आया। कीर्तन ते बहण तों पहलां इह बाबा आनंद सिंह जी दा वचन है, कहिंदे गुरु दा कीर्तनिया इक पाठ जपजी साहिब दी हाजरी लावे। जे हाजरी जपजी साहिब दी नहीं लगदी, पंज पौड़ियां पढ़ लै ते गुरु अगे अरदास करके बहनी, पिता जी कीर्तन ते बहन लगा, कृपा दा खाता खोलो, लोकां नू चेहरा ते मेरा नजर आवे पर बख्शिश तुहाडी कम करे। कहदे वाहिगुरू अरदास करके बहना, अरदास करके हर छोटे तो छोटा काम ते भावें वड्डे तो वड्डा काम, हर काम दे विच बाणी दा उट आसरा लैणा आपां तां आंदे इत्थे आउण दा। जदों कीर्तन दी होई समाप्ति, गड्डी जे बैठे तुर पे, है जी, लंगर पानी छकिया सौंगे, वह गल वक्खरी है। गड्डी च बहन लगे हैं, पांच पौड़ियां की शुकराने की हाजरी, जां जपजी साहब की हाजरी ला दातिया, शुगर इतों सेवा ले ली है। कहदे वाहिगुरू गुरु की कृपा नाल कहना अगलियां सब चीज़ां ले गुरु तेरियां बैटरियां चार्ज कर देगा। है जी, इन्हें मेरा आसरा लिया। जे जपजी साहब का महत्व सुन रहे हो ना, तो बेनती है निके तो निका काम है तो भावें व्डे तो व्डा काम, बाणी तो बिना साढ़े को चलिया ही ना जाए, चलिया ही ना जाए। अखीरली गल कह के मैं फतेह बुलाउन लगा, एक बारी बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु, गज के बोलो वाहिगुरु। कुदरती चलो, ये भाई साहब जी ने लिखी सी एक कविता बड़े साल पहले, कुदरती ना मेरे सामने वो लाइना आ गई, एक बारी पढ़ लो, उस तो बाद एक डेढ़ मिनट से समाप्ति करो कृपा, मेरे तो बाद सारी संगत बोलियो। तेरी जप जी तो जावा बलहार जी, तेरी जप जी तो जावा बलहार जी, तेरी जप जी तो जावा बलहार जी, तेरी जप जी तो जावा बलहार। भैणा बोलो, तेरी जप जी तेरी जप जी तो जावा बलहार जी, तेरी जप जी तो जावा बलहार जी, तेरी जप जी तो जावा बलहार जी। बोलो वीरो, तेरी जप जी तो जावा बलहार। बोलो भैणा, तेरी जप जी तो, थोड़ा उच्ची बोलिया करो, जिने तारिया सारा संसार जी, जिने तारिया सारा संसार जी, जिने तारिया सारा संसार जी, तारिया सारा संसार जी, पढ़िए जप जी ते कर दे गुरु प्यार जी, पढ़िए जप जी ते कर दे गुरु प्यार जी, पढ़िए जप जी ते कर दे गुरु प्यार जी, पढ़िए जप जी ते कर दे गुरु प्यार जी, तेरी जप जी तो, तेरी जप जी तो, तेरी जप जी तो जमा बलहार।
तेरी जप जी तो जावा बलिहार जी, तेरी जप जी तो जावा बलिहार जी, बोलो गज के, तेरी जप जी तो जावा बलिहार जी, बोलो भैणा, तेरी जप जी तो उठे आजो गुरु गोविंद सिंह जी का वचन अमृत फल जिम दोनों करे शक्त जप जी तथा शक्त जप जी जुग तरे तन की रक्षा एदे नाल तन दियां लोड़ां भी पूरियां होंदियां घर दियां लोड़ां भी पूरियां होंदियां तन की रक्षा मुक्त पदार्थ दे दोनों को सदा सकारथ इंदे जदों प्यार नाल तू बाणी नाल जुड़दा है ओ जब जी साहब जी दी बाणी च एडी ताकत है ए दुनियावी लोड़ां भी पूरियां करदी ते मुक्ति भी देंदी है कहदे वाहिगुरू जिन्ने मर्जी तोड़न वाले आउण प्यारे ओ पर बाणी दा लड़ना कदी छड्डियो जिन्नियां मर्जी नेरियां चलण बाणी दी ओट विच बाणी दे आसरे विच ही अपना जीवन बतीत करे गुरु कृपा करे बख्शिश करे इतनी को सेवा प्रमाण करना।